जनर्णम भक्ति की परंपरा में पंडित ध्यानत राय जी ने बहुत अच्छी पूजाएं लिखी हैं साथ ही उनका एक स्तोत्र जो मुझे बहुत प्रिय है और मैं कहूं कि उस स्तोत्र की एक एक पंक्ति अपने आप में मंत्र के रूप में कार्य करती है श्री पार्श्वनाथ भगवान जो हम सबके इष्ट हैं आराध्य हैं तीर्थंकर हैं चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि संकटमोचक विघ्नहरता ऐसे अनेकों विशेषण जिनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं ऐसे श्री पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति के रूप में लिखा गया ये दिव्य स्तोत्र बहुत चमत्कारी है बहुत प्रभावशाली है अगर आपके जीवन में कोई विघ्न बाधा आ रही है कोई दिक्कत आ रही है तो रोजाना इस स्तोत्र का तेईस बार पाठ करिए तेईस बार इसका पाठ करने से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं वो सब दूर होती हैं बहुत सुंदर एक घी का दीपक जलाएं, पूरे परिवार के साथ आप इसका पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आपके घर में परिवार में सुख शांति और समृद्धि आएगी जीवन में जो भी विघ्न बाधाएँ आ रही हैं वो सभी दूर होंगी तो अगर आप रोज़ाना इसका श्रवण भी करते हैं एक बार तब भी यह आपके घर के वातावरण को आनंद और ऊर्जा से भर देगा मुझे बहुत प्रिय है यह प्रिय स्तोत्र मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आप रोजाना कम से कम एक बार इसका श्रवण जरूर करें और अपने आप को सुरक्षित महसूस करें आइए जहां भी आपने श्री पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए हैं उनका बंद आँखों से स्मरण करें अपने इष्ट का स्मरण करें और इस श्री पार्श्वनाथ स्तोत्र का श्रवण करें नमो देवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवुदेवां सदा पार्श्वनाथं नमो देवुदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदे सदा पश्वनाथम नरेन्द्र फणींद्रद्रमीशम शतेन्द्रम सुपूजे भजे नयशीश मुनींद्र ग्रम नमो जोड़िहात नमो देवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवं। गजेन्द्रं मृगेन्द्रं गहोतु छुडाबे महागते नागते तू बचावे महावीर युद्ध में तू जितावे महारोगते बंध ते तू छुड़ावे नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथं नमो देवो सदा पार्श्वनाथं दुखी दुख हरता सुखी सुख करता सदा सेवकों को को महानन्द भरता हरयक्षस भूत पिशाचं विषम डाकिनी विघ्न के भये अवाचम नमो दुवदेव सदा पाशनाथ नमो देवदेव सदा पार्श्वनाथम दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने अपुत्र को तू भले पुत्र कीने महासंकटों से महा संकटों से सभी संकटों से विधाता सवे संपदा, सर्व को सर्वको दाता नमो देव देवम सदा नाथम नमो देवदेव सदा पार्शनाथम महाचोर को वज्र को भय निवारे महापौन के पुंजते तु उबारे महाक्रोध की अग्नि शैलेश को मेघारा महालोभशैलेश को वज्रभारा नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम् हामोह अन्धेर को ज्ञानभकान्तार् को दो प्रधानं किये नाग नागिन् अधो लोक स्वामी हर्यो मान तू दैत्य को हो अकामी नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथं तुही कल्पवृक्षं तुही कामुधेनुं तुही दिव्यचिन्ता मणिनाग् एनम् पशु नर्क के दुख ते तु छुडावे महास्वर्गते मुक्तिमे तू बसावे, नमो देवदे सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम् करे लोह को हैं पाशाण नामी रट्यो नाम सो क्यों न हो मोक्ष गामी करें सेवता की करें देव सेवा करें सेवता की करें देव सेवा सुने सुनेबेन् सोही लहे ज्ञान वा नमो देवुदेवं सदा पार्श्वनाथं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथम् जपे जाप ताको नहीं पाप लागे धरे ध्यान ताके सवे दोष भागे बिना तो ही जाने बिना तो ही जाने धरे भव घनेरे तुम्हारी कृपाते सरे मेरे नमो देवदेव सदा पार्श्वनाथम नमो देवदेव सदा पार्श्वनाथम नमो देवदेव सदा पार्श्वनाथम नमो देवदेव सदा पार्श्वनाथम गणधर इंद्र न कर सके तुम वि भगवान ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं अर्हं चिन्तामणि श्रीपार्श्वनाथाय नमो नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं अर्हं चिन्तामणि श्रीपार्श्वनाथाय नमो नमः ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं अर्हं चिन्तामणि श्री पार्श्वनाथायण नमो नमः इति श्री पार्श्वनाथ स्त्रोत्र यह अत्यंत हृदय को महाने वाला मन को शांत और चित्त को प्रसन्न करने वाला श्री पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र बहुत प्रभावशाली है बहुत चमत्कारी है जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो कोई भी दुख कोई भी आपत्ति विपत्ति आ रही हो उसको दूर करने में यह स्तोत्र समर्थ है हम सभी इस स्तोत्र का रोजाना श्रवण करें और शेयर करें ताकि जन जन को श्री पार्श्वनाथ भगवान की असीम अनुकंपा प्राप्त हो सके इसी भावना के साथ में कि हम सबका जीवन सुख शांति और समृद्धि से भरपूर बने ओम नमः